अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट जिसका नाम है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट सिमिलर आपका बार चार्ट जैसा ही दिखता है, लेकिन ये आपका वर्टिकल होता है, वो हॉरिजॉन्टल था, ये वाई एक्सिस पर होता है, जहां पे बेसिकली आपका सेल्स डेटा, प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा, ये सब हम देख सकते हैं, राइट। तो इसको मैं भी आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ लाइव। तो चलते हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पावर बीआई पे, राइट। यहाँ पे कॉलम चार्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, आप देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या डेटा डाला है आपने, ऑर्डर डेट और सम ऑफ सेल्स। तो कुछ नहीं करना है, इसको पहले मैं छोटा कर देता हूं, एंड यहां से हम कॉलम चार्ट पे ले लेते हैं और इसमें सेल्स हम वाई एक्सिस पे ले आते हैं, और एक्स एक्सिस पे आपको क्या करना है, बस ऑर्डर डेट ले आना, ऑर्डर डेट। तो सेम इसी तरह से आपको देखने मिल जाएगा, राइट। जो ऑर्डर डेट यहाँ पे डेली आ गया, इसको मुझे ये अपसाइड करना पड़ेगा, ड्रिल अप करना पड़ेगा। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, क्वार्टर वन क्वार्टर टू बेसिस पे दिखा रहा है सेल्स का, राइट। इसको और ऊपर करता हूँ तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, और ऊपर करूंगा तो सेल्स आ गया ईयर वाइज, राइट। वो क्वार्टर वाइज था, ईयर वाइज था, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे डेटा दिख रहा है, तो आपको डेटा अगर दिखाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डेटा लेवल को ऑन कर सकते हैं, जो हम आगे सीखेंगे कैसे करते हैं। ये मिलियंस में, तो आपको इसको चाहो तो के में कन्वर्ट कर सकते हो वैल्यूज को, राइट। जो हम आगे मैं आपको सिखाने वाला था, डिस्प्ले यूनिट्स, तो डेसिमल्स यहाँ पे के में रखना है, मिलियंस में रखना है, थाउजेंड में रखना है, तो थाउजेंड में आ जाए, राइट। तो यहां से आप इस तरह से कॉलम चार्ट क्रिएट कर सकते हो।